अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद शुएब राणा। और आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस सॉल्व टारगेट पेपर, सॉल्व प्रिपरेशन पेपर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है जिसमें ये मेंशन है कि ये टारगेट पेपर या प्रिपरेशन पेपर जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है, साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप एंड आर्ट्स ग्रुप के लिए है, फॉर द एग्जाम्स 2021 to 2022। ठीक है, 2021 और 2022 के जो तालिबे इल्म हैं उनके लिए ये टारगेट पेपर मैंने बनाया है। एंड इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व्ड हैं। स्क्रीन पर आपके पास ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। सेक्शन ए में एम सी क्यूज हैं, दैट इज़ कॉल्ड 225 इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज विद आंसर्स, जो प्रोज में से होंगे, पोइट्री में से होंगे, प्ले में से होंगे। अच्छा, इस एम सी क्यूज को मैंने इंडिविजुअली पोइट्री एंड प्रोज एंड 2-1 एक्ट प्ले के अंदर इंडिविजुअल जो है वो कह लें कि एक वीडियोस बनाई आप लोगों के लिए, बिकॉज अगर मैं इसी में डिस्कस करता तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती, तो दैट्स वाई वो मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं ताकि आप उसको, स्पेशली जिन बच्चों को एम सी क्यूज देखने हो तो खाली वो स्पेशली उस वीडियो को देख सकें। सेक्शन बी जो कि हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे होता है वो यहाँ पर सॉल्व होगा। आपने बहुत सारे टारगेट पेपर्स देखे होंगे और ओबियसली यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने अपलोड भी किए होंगे जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस रखे हैं, बट ये टारगेट पेपर उनसे शायद बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगा आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, तो आपको आंसर्स भी स्क्रीन पे नज़र आएंगे विद कोटेशंस। सेक्शन बी में ऑलमोस्ट 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज, पोइट्री वाइज और प्ले वाइज। ठीक है, इसमें होमोफोन्स भी आपको नज़र आएंगे, वर्ड्स मीनिंग भी आपको नज़र आएगी। और अगर आप सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे तो सेक्शन सी के अंदर इंपॉर्टेंट लेटर्स इस साल के कौन से हैं, इंपॉर्टेंट स्टोरीज इस साल की कौन सी हैं, या कौन कौन से जो पैराग्राफ्स हैं इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जो फ्रंट पेज मैंने डिज़ाइन किया है इसमें आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये टारगेट पेपर किन चीज़ों को जो है वो से मिलाकर बना है या किन चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे पहले सेक्शन बी को, कि सेक्शन बी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वो तमाम बच्चे जो इस साल पेपर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं, बहुत सारी हैं जो अपलोड होनी है वीडियोज़ इंशाल्लाह, तो वो आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड ट्राई टू शेयर दिस चैनल विद योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स। कोशिश करें आस पास जितने लोग हैं उनको भी जो है वो आगे आप वीडियो शेयर करवाएं ताकि जो है वो जितने स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें, ताकि वो भी जो है वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को एक्चुअली, कि सेक्शन बी जो है वो आपका किस तरीके से पेपर में आएगा या कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो लेट्स डिस्कस सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैंने यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चंस रखे हैं, पोइट्री के क्वेश्चन रखे हैं और 2-1 एक्ट प्ले के क्वेश्चन रखे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है, पाकिस्तान जिंदाबाद, उससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ कायदे आजम व्हेन ही केम टू कराची ऑन August 7th, 1947। मेरे हवाले से ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा था, तो दैट्स वाई मैंने इस वीडियो में इसको ऐड किया है। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ट्राई टू राइट 6 to 8 लाइंस, मोर देन 8 to 10 लाइंस विद कोटेशंस। कोशिश करें कि अच्छा और बेहतर जो है वो आंसर आप लिखें। यहाँ से भी आप याद कर सकें कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास जो फर्दर मटेरियल है वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैंने और में दिया है जिसका नाम है, व्हाई डिड कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी कई सालों पेपर में आ चुका है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं, बोथ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, कई सालों से पेपर में आता रहा है ये सवाल। वाई डज द राइटर अप्लाई द वर्ड टेरेबल टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री? किस
पहला साल जो था पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए वो टफ क्यों गुजरा। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहा है, कई सालों में आ चुका है पेपर के अंदर, तो इसका भी आंसर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप इस वीडियो से जो है वो काफी ज्यादा एडवांटेज गेट कर सकते हैं। इसके साथ मैंने और में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाई द कांग्रेस लीडर डिड स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन। ठीक है, कि ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम है उनके लीडर्स ने वो जेल में या कैद में क्यों गुजारा था, तो इसका भी आंसर जो है वो मेंशन है आपके सामने स्क्रीन पर, और मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ स्क्रीन पे ताकि ये वीडियो में आपको प्रॉपर आंसर जो है वो नजर भी आए, और आप अगर इसे याद करने बैठे हैं तो आपको ये तमाम चीज आपके सामने आ रही हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान जिंदाबाद से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इफ यू गो थ्रू द 5 ईयर और 10 ईयर्स, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको ये सवाल काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली नजर आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमारे पास अगला चैप्टर है जिसका नाम है बर्केनहेड्रन। ठीक है, और इस चैप्टर से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 1, व्हाट वुड प्रोबेबली हैव हैपेंड हैड बीन अ पैनिक ऑन द बर्केनहेड। अच्छा, ये सवाल अगर इस तरह से आ जाए, डिस्क्राइब द डिजास्टर ऑफ द बर्केनहेड, तो आपने दोनों सूरतों में एक ही आंसर लिखना है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि हम टीचर्स जो है या जो पेपर बनाने वाला है वो क्वेश्चन की वर्डिंग को चेंज कर देता है, और आप क्योंकि स्टूडेंट्स होते हो तो आपको बस यही चाहिए कि जो सवाल बुक में था, जो सवाल नोट्स में था, एग्जैक्ट वही वर्डिंग होनी चाहिए, तो हम जल्दी पिक कर लेंगे। समटाइम ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, और उसके बाद जो आपने याद किया वह आंसर ओब्वियसली वही होता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको चेंज करके देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिले। ठीक है, तो अगर ये सवाल आए तब आप ये आंसर प्रॉपर राइट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने और करके क्या दिया है, एक और क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, ये देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है, हाउ डिड बर्केनहेड कम टू बी रैक्ड, वाज एनी मेंबर ऑफ द क्रू ब्लेम। ठीक है, ये सवाल भी अगर आप देखेंगे 10 ईयर्स में तो ये भी फ्रिक्वेंटली चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने बर्केनहेड से ऑलमोस्ट ये दो तीन क्वेश्चन जो है वो चूज किए हैं इस साल के लिए, एंड अल्लाह से बड़ी अच्छी उम्मीद भी है कि हो सकता है कि अल्लाह पाक इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाए। अच्छा जी, तो आगे मूव करेंगे तो हमारे पास थर्ड चैप्टर है द यूनाइटेड नेशन के नाम से, राइट, द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, द यूनाइटेड नेशन क्योंकि एक बहुत लेंथी चैप्टर है और उसके अंदर जाहिर सी बात है जब चैप्टर लेंथी है तो उसके अंदर अगर कुछ पार्ट्स हैं और यूनाइटेड नेशन किस तरीके से बनी है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर काम करती है, उनके फंक्शंस क्या है, तो मैंने ये जो चार हैं WHO, FAO, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ, इनको चारों को इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है। आप चारों को याद करके जाए, हो सकता है कि वो कोई एक सवाल इसमें से पूछ सकते हैं, यू माइट बी पॉसिबल दे कैन आस्क का कि भाई यूनेस्को का जो फंक्शन है वो आप डिस्क्राइब कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पर चारों को लिखा है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि चारों को याद करके जाए, कोई चांस ना लें क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर दे सकता है। ठीक है, तो WHO के हवाले से भी यहाँ पे पूरा एक लेंथी आंसर लिखा हुआ है, FAO के हवाले से भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिन बच्चों ने यहाँ से याद करना है तो वो आराम से इसको पॉज करके यहाँ से भी आंसर याद कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपको इसी लगे। अच्छा, यूनेस्को हो गया, तो यूनेस्को का भी एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है तो उसके हवाले से भी यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है, सो कोशिश करेंगे इनको मिस मत कीजिएगा, इन चारों को जरूर याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और करके मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है जो एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली ये भी आता रहा है, व्हाट इंस्पायर्ड द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ फार इट सक्सेसफुल इन सॉल्विंग वेरियस वर्ल्ड इशू, मतलब कितना रेशियो है सक्सेसफुल के प्रॉब्लम सॉल्व करने का यूनाइटेड नेशन का, उस हवाले से एक क्वेश्चन है जो कॉमर्स में ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि ज्यादातर आता रहा है, तो ये सवाल का आंसर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद, एक डिटेल्ड आंसर है, काफी लेंथी आंसर लिखा हुआ है, सो इफ यू वांट सो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, आप यहाँ से भी इजीली इसको याद कर सकते हो, तो यू डोंट नीड टू ओपन एनी नोट्स, आपकी स्क्रीन पर जो है वो ऑलरेडी सॉल्व आंसर आ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
लेट्स मूव नंबर 4 चैप्टर, जिसका नाम है माय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो चैप्टर है माय बैंक अकाउंट, यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पेपर में आ चुका है, व्हाई डिड द रोर ऑफ लॉफ्टर फॉलो द ऑथर लीविंग द बैंक। मतलब ये एक इस तरह सवाल भी है, और एग्जाम के अंदर आपकी बुक में बैक साइड पे जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन है बुक की बैक साइड पर। तो ये सवाल के अंदर पूछ रहे हैं कि भाई ये रोर ऑफ लॉफ्टर क्यों था, और जो ऑथर था स्टीफन लेकॉक, उसने ये बैंक क्यों छोड़ा और वो क्यों घबरा गया था। तो इस ये पूरी सिचुएशन आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है और वो इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। तो कहाँ जहाँ जहाँ पे कोटेशन ऐड हो सकती थी वो हुई भी हैं, और अगर आप चाहें तो अपने पास से भी कोटेशन को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने दिया है, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट द चेक, कि उसने क्या गलती की थी जब वो चेक लिख रहा था। और हो सकता है कि ये सवाल आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट मिस्टेक डिड लेड स्टीफन लीकॉक टू कमिट ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर, यानी कि बार बार जो गलतियां कर रहा था वो क्यों कर रहा था, और क्यों हो रही थी गलतियां। तो तब भी आप ये दोनों सेम आंसर, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर बनेगा जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। और इसके नीचे एक कोटेशन भी मैंने यहाँ पर राइट की हुई है, इफ यू वांट टू आप इंटरनेट से भी कोटेशन निकाल कर अपनी आंसर्स में देख सकते हैं। नंबर 7 पे है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द मैनेजर व्हेन द ऑथर टोल्ड हिम ही वांटेड टू सी हिम अलोन। ये बड़ा मजाकिया एक सीन था जब उसने कहा था कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ, तो वो इस सवाल ने पूछ रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या था। तो ऑब्वियसली फिर आपने यहाँ बताना है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, अगर आपने बहुत अच्छा सा ये चैप्टर पढ़ा है एंड आपकी बड़ी अच्छी कमांड है इस चैप्टर पर, सो आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो। ओके जी, सो आगे मूव करेंगे। आगे एक और चैप्टर है हमारा, द रूल्स ऑफ सनो ग्रेट्स के नाम से। ठीक है, द रूल्स ऑफ सनो ग्रेट्स में जो क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं उसमें मेरे मुताबिक, व्हाट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ द वुल्व्स, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हु वाज वैपी एंड व्हाई वाज इट्स शिवरिंग। कि इन दोनों क्वेश्चन को आप देखें, दोनों की वर्डिंग चेंज है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई वैपी कहाँ से आ गया, ये वैपी कौन था, एक लैपटॉप का नाम था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप, तो अगर आप देखें तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर यही वजह डिफाइन की जाएगी जो मैंने इस आंसर के अंदर लिखी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तब भी आप ये आंसर लिखोगे, और अगर आपसे वर्ड टू वर्ड ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ द वुल्फ, जो बुक का क्वेश्चन है, तो तब भी आप यही आंसर इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने चूज किया है, इसमें व्हाई वर द बैरन एंड बैरनस एंग्री विद एमिली, क्यों गुस्सा थे वो उसके ऊपर, दोनों मियां बीवी जो थे। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपने यहाँ डिफाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं चॉइस के अंदर, व्हाट वाज द रियल स्टोरी रिलेटेड टू कासल ऑफ सनो ग्रेट्स, नरेट द स्टोरी रिलेटेड टू कासल सनो ग्रेट, वाज वाज द रियल स्टोरी रिलेटेड टू कासल सनो ग्रेट अकॉर्डिंग टू गवर्नेंस। मतलब आप देखें कि मतलब क्वेश्चन का एक आंसर बनेगा लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट है, तो जब इस तरह के सवाल आते हैं आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि हमने तो पढ़ा नहीं था, सर ने पढ़ाया नहीं है। सो जस्ट आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि यार सवाल में क्या बात हो रही है, और फिर उसके लिहाज से उसका जो आंसर आपने याद किया हुआ है वही आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये द रूल्स ऑफ सन ग्रेट्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं आगे, फर्दर मजीद चैप्टर्स हैं, साइंस एंड साइंटिस्ट के नाम से एक चैप्टर है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। अच्छा, साइंस एंड साइंटिस्ट में हम देखें तो लिखा हुआ है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक द लेसन साइंस एंड साइंटिस्ट। इस चैप्टर में साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक का क्या मतलब है राइटर के हवाले से, जो एफ शेरवुड टेलर इसके राइटर हैं, तो उसके आप हवाले से आपने बताना है। ये दो तीन दो चैप्टर्स ऐसे हैं, साइंस साइंटिस्ट एंड साइंस सोसाइटी, जो थोड़े ड्राई हैं बट यू हैव टू लर्न, क्योंकि उसकी वजह ये एग्जाम का पार्ट है, कोई सा भी सवाल इसका आ सकता है। अच्छा, इसमें मैंने और करके ये एक सवाल दिया है, हाउ डज शेरवुड टेलर डिफाइन फ्रॉम साइंस, कि शेरवुड टेलर ने साइंस को किस तरह डिफाइन किया है। या आप के सामने एक सवाल और दीजिए, मैंने करके लिखा है, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइंस। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी साइंस की, या अकॉर्डिंग टू द राइटर क्या डेफिनेशन है साइंस की, वो आपने बतानी है। तो ये दो सवाल मैंने यहाँ से चूज किए हैं साइंस एंड साइंटिस्ट से। बाकी हम चलते हैं साइंस एंड सोसाइटी की तरफ, तो इसमें भी फर्दर दो सवाल आई गेस मैंने चूज किए हैं।
एक है व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, के तीन वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो साइंस की बढ़ती हुई तरक्की का राज है, ठीक है, या उसका पार्ट है। तो ये आपने जवाब देना है, ठीक है, और ये आपको आपके चैप्टर जो पेज नंबर 162 है उसपे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। और करके मैंने इसमें दिया एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सैलिटी है, सॉरी है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, के इसका मतलब क्या है, साइंस एंड मैथमेटिक्स का क्या एक्चुअली मीन है, आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या राइटर ने इस बारे में बताया, ठीक है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस। तो ये भी थोड़ा सा एक ड्राई चैप्टर है और इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस टाइम आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस एंड साइंटिस्ट हो गए, आगे चलेंगे तो ऐसा ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाए, आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास लास्ट चैप्टर है द हॉस्टाइल विटनेस के नाम से, डी वाई मॉर्गन का लिखा हुआ चैप्टर है। इसमें से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, जैसे व्हाई डिड सर्जन मैनिंग फर्स्ट स्पीक रादर कोल्डली टू द ग्रुप ऑफ द पीपल इन होटल लाउंज, ठीक है। तो ये सवाल है, इसका जवाब आपके सामने मौजूद है, कोटेशन भी इसमें ऐड हुई है, चाहे तो अपने पास से भी आप कोई कोड ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने और करके सवाल दिया व्हाट क्राइम हैड बीन कमिटेड इन न्यू कासल दैट आफ्टरनून, इस वर्डिंग में इसी तरीके से ये सवाल बोर्ड में कई दफा आ चुका है, ठीक है। तो एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन हुआ, तो आप इसको भी स्किप मत कीजिएगा, ट्राई टू लर्न दिस वन, इसको भी याद कर लीजिएगा जब आप के पास टाइम हो, आप फर्दर याद कर चुके हो, ठीक है, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे सामने मौजूद है, ठीक है। तो ये तमाम चैप्टर्स के हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं इम्पोर्टेंट इस साल के लिए, सॉल्व आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे आगे, जो हमारा पोएट्री सेक्शन है, जो सेक्शन नंबर 2 के नाम से आता है, ठीक है, वर्सेस के हवाले से। इसमें हमारे पास पोएट्रीज हैं, पहली पोएट्री से मैंने जो क्वेश्चन चूज किए अंडर द ग्रीनवुड ट्री से, आए देखते हैं वो कौन सा है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर इनवाइटेड फॉर लिविंग अंडर द ग्रीनवुड ट्री, किस तरह के लोगों को राइटर ने या वो सिंगर ने जो है वो इनवाइट किया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री के अंदर। तो उसका सवाल सवाल का जवाब सॉरी यहाँ पर मेंशन है कोटेशन के साथ, या और करके अगर सवाल हो सकता है ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट द फिलोसॉफिकल आइडिया डू यू गेट फ्रॉम द पोम अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है, या व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो दोनों सूत्रों में फिर आप क्या करोगे, यही आंसर लिखोगे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ सेकेंड्स तक यहाँ पर इन चीजों को स्क्रीन पर रोकूं, ताकि जब आप वीडियो देखें और आप में से किसी को लिखना हो तो आप उसको प्रॉपर लिख भी सके, ठीक है। तो अगली जो हमारी पोइट्री है दैट्स कॉल्ड द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन डिस्क्राइब्ड इन द पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है, आप चाहे तो पैराग्राफ की शक्ल में देखें, इट डिपेंड्स ऑन यू, और या आपके पास जो भी नोट्स हैं अगर आप उसमें से याद कर रहे हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। कोटेशंस ऐड करें दैट्स वेरी गुड, नहीं कर सकते तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द यू नो कहने के एक आपका पार्ट है एग्जाम का, एक से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है आपकी राइटिंग पर, तो बेहतर है कि आप डाल लें। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन मैंने लिया है और करके, हाउ डिड हेनरी बॉटन्स हैप्पी मैन एंजॉय हिज स्पेयर टाइम्स, जो हैप्पी मैन होता है हेनरी बॉटन के मुताबिक वो अपना फारिग वक्त कैसे गुजारता है। तो ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप इससे यहाँ से याद कर सकते हैं, कोटेशन भी यहाँ पर डली हुई है, ठीक है, चाहे तो अपने ओन वर्ड्स में या अपने तौर से जो आपको बेहतर लगे वो ऐड कर सकते हैं। नंबर थर्ड लिखा हुआ है हाउ डज हेनरी वॉटन मैन यूज फॉर हिज डिफेंस, अपने आपको बचाने के लिए वो क्या करता है, या अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन हैप्पी मैन हैविंग नथिंग येट एट ऑल। ये सवाल एग्जैक्टली बहुत इस तरह की वर्डिंग में, इस वर्डिंग के अंदर बहुत एग्जाम में आ चुका है, तो दोनों सूरतों में आपने आंसर ये लिखना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा जी, तो टाइम वेस्ट की बगैर आगे बढ़ेंगे तो अगली पोइट्री हमारे पास है दैट्स कॉल्ड द एबट ऑफ कैंटरबरी, वेरी इजी पोइट्री, बहुत आसान पोइट्री है, स्टोरी है इसमें, ठीक है। एनोनिमस के राइटर है, कोई राइटर एक्चुअली है नहीं। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द थ्री क्वेश्चंस किंग जॉन आस्क्ड, एंड वेयर व्हाट वर द थ्री इंटेलिजेंट आंसर्स प्रोवाइडेड बाय द शेफर्ड इन द पोम द एबट ऑफ कैंटरबरी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी पूछ रही है कि भाई वो कौन से तीन सवाल थे, और बताएं वो कौन से तीन जवाब थे जो शेफर्ड ने दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गए,
नीचे इनके आंसर्स आ गए, तो मैं इनको अलग अलग तरह मैंने एक साथ करके इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो स्क्रीन पर है, मैं कुछ सेकंड्स तक इसको रोक लेता हूँ ताकि आप में से किसी को लिखना हो तो वो यहाँ से आंसर लिख सकता है, ठीक है। तो एबट ऑफ कैंटरबरी से ये सवाल दोनों इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं पास पेपर्स में। इसके अलावा व्हाई डिड किंग जॉन समन द एबट और टू हिज कोर्ट, क्यों बुलाया था उसको कोर्ट के अंदर, या फिर सवाल ये भी बन सकता है व्हाई डज किंग जॉन फील जेलस ऑफ द एबट ऑफ कैंटरबरी, व्हाई वाज द किंग जॉन हॉस्टाइल विद द एबट ऑफ कैंटरबरी, यानी किस डिफरेंट क्वेश्चंस की कह लें कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, ये वर्डिंग उनकी डिफरेंट एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो उसका इन तीनों सवालों का एक ही बनेगा, ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। सो लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो हमारे पास एक पोइट्री है जिसका नाम है लाइंस फ्रॉम द डेजर्ट विलेज बाय ऑलिवर गोल्ड स्मिथ। तो इससे हमने जो क्वेश्चन दिए वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड पीपल यूज टू डू ड्यूरिंग द हॉलीडे इन द पोम लाइंस फ्रॉम द डेजर्ट विलेज, क्या अक्सर लोग वहाँ छुट्टियों में क्या करते थे, या ये सवाल ये भी बन सकता है जो एक्सैक्टली पेपर में आ चुका है, हाउ डिड द विलेजर्स एंजॉय हॉलीडे बिफोर विलेज वाज डेजर्टेड, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा आंसर यहाँ मेंशन है विद कोटेशन, आप यहाँ से याद कर सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ से चूज किया था, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बट अ गोल्ड प्रेजेंटली देयर कंट्रीज प्राइड। ये जितने भी क्वेश्चंस उठाए हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पास पेपर्स के, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ट्राई टू लर्न, इन सबको कोशिश करें याद कर लें, तो कोई आप चांस ना लें कि अल्लाह ना करे कोई सवाल आप मिस कर जाओ वही पेपर में आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से और करके एक सवाल दिया हुआ, व्हाट काइंड ऑफ लैंड डज फॉल अ प्रे टू हेस्टिंग्स एज स्टेटेड बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम का हिस्सा बन चुका है पास्ट में, तो इसको भी आप कोशिश करें कि याद करके जाएं, मैं इसका आंसर भी आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये आपके तीनों आंसर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं और डिटेल्ड आंसर है विद कोटेशन, आई होप कि अगर आप यहां से याद करते हैं तो इंशाल्लाह यू कैन गेट गुड मार्क्स। ओके जी, सो आगे चलेंगे, लूसी ग्रे, यस, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, लूसी ग्रे क्योंकि ये एक नॉर्थ की कहानी थी, ऑब्वियसली सबको आसानी से याद भी हो चुकी है और बच्चे सीरियस को मजे से पढ़ भी लेते हैं। तो हाउ डिड लूसी बिकम इमोर्टल, के वो इमोर्टल कैसे बन गई, ठीक है, और उसके बारे में क्या लोग बातें करते हैं, या व्हाट इज पैलेट, पैलेट क्या होती है, और इस कहानी को डिफाइन कीजिए, व्हाट हैपेंड टू लूसी ग्रे। आप देखिए सारे सवाल वही हैं, उनमें घूम फिर करके एक ही बात दिखी जाएगी और एक ही आंसर बनेगा जो मैंने यहाँ पर आपको इस वक्त मेंशन किया है यहाँ पर ये कोटेशन के साथ, ठीक है। तो अगर इस तरह की वर्डिंग क्वेश्चंस आए तो आपने कोशिश करना है कि यही आंसर्स का राइट करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे मूव करेंगे तो आगे हमारे पास एक और पोइट्री है, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल बाय सर वॉल्टर स्कॉट, और इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साल के लिए वो है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द पोम ले द लास्ट मिनिस्ट्रल, या व्हाट इज द चीफ सेंटीमेंट इन द लाइंस फ्रॉम द ले द लास्ट मिनिस्ट्रल। दोनों सूरतों में आपका आंसर यही बनेगा, और इसमें आप अपनी पोएट्री से उठा करके जो है वो कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, कुछ कपलेट लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस आप देखें आपके सामने, हाउ डज अनपेट्रियोटिक पर्सन मीट डबल डेथ, एन अनपेट्रियोटिक मैन डाइज अ डबल डेथ अकॉर्डिंग टू वॉल्टर स्कॉट, एक्सप्लेन द फ्रेज डबली डाइंग वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग द पोम द ले द लास्ट मिनिस्ट्रल, व्हाट डज द वॉल्टर स्कॉट कंडेम एन अनपेट्रियोटिक पर्सन, या हाउ डज सर वॉल्टर स्कॉट डिनाउंस एन अनपेट्रियोटिक मैन। तो ये जिस तरह डिफरेंट 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 क्वेश्चंस मैंने यहाँ मेंशन किए, लेकिन इनका आंसर यही बनेगा जो आपके सामने यहाँ मैंने अभी मेंशन किया, ठीक है। तो डिटेल्ड आंसर है, यू मे लर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलेंगे, आबू बिन आदम हमारी पोइट्री है बाय जेम्स हेनरी लेखंट, और बड़ी फेमस पोइट्री है, बुक में पेज नंबर 26 पे आपको मिल जाएगी। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है, व्हाई डिड अबू बिन आदम लीड ऑल द रेस्ट, सबसे टॉप पर आपका नाम क्यों था, उसकी क्या वजह थी, व्हाई वाज द नेम ऑफ द अबू बिन आदम रिटन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। एक ही बात है, ठीक है, वर्डिंग अलग है लेकिन आंसर ऑब्वियसली एक ही है। तो बार बार मैं आपको वीडियो में ये समझा रहा हूँ कि आपने टाइम लेना है, समझना है सवाल में क्या बात हो रही है, देन उसके बाद आप रिलैक्स होकर अपना आंसर लिखें, ठीक है। आंसर्स वही होंगे जो आपने याद किए हैं, जस्ट यू नीड टू टेक टाइम कि भाई इसमें बात क्या हो रही है।
राइट, इसके बाद हमारे पास एक और पोम है, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, पेज नंबर 28 आपकी बुक में, ठीक है। तो उसमें से हमने कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं, हाउ डिड द यंग सोल्जर शो हिज लव टू फॉर हिज कंट्री एंड हिज एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। हाउ डिड द बॉय प्रूव हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इन द पोम इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप, दोनों शर्तों में आप एक ही आंसर लिखे के जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन ने यहाँ पे डाला है, व्हाट न्यूज डिड द यंग सोल्जर गिव टू द एम्परर ऑफ नेपोलियन, या व्हाट डिड द सोल्जर टेल एम्परर नेपोलियन, क्या न्यूज उसने दी थी, क्या उसने उसको बताया था। सो यू मे राइट द वन आंसर, कि आप एक ही आंसर में मेंशन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम जाएंगे, पोइट्री है दी ट्वाइस कोवेंट्री पेटमोर की, पेज नंबर 31 आपकी बुक में है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के कौन कौन से हैं, व्हाट डिड कोवेंट्री पेटमोर फाइंड व्हेन ही विजिटेड हिज सन जू, ठीक है, क्या उसने देखा जब उसने अपने बेटे के रूम को विजिट किया, या व्हाट डिड हिज फादर सी इन हिज रूम, बात देखिए कि यार ये जस्ट वर्डिंग मैंने चेंज की हुई है, ठीक है। और करके मैंने जो क्वेश्चन दिया वो ये दिया है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द पोम, या रिलीजियस मैसेज क्या है इस पोएट्री के अंदर आप देखते हो, वो आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दी ट्वाइस है। आगे चलते हैं, सोनेट कंपोज अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएट्री है। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द राइजिंग ऑफ द सन, के उसको बड़ा अच्छा लगा था सुबह का वक्त सूरज निकलता हुआ, तो वो राइटर ने मेंशन किया था उसकी ब्यूटी के बारे में मॉर्निंग की, तो वो आपने डिफाइन करनी है, ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है। या फिर आप ये सवाल भी देख सकते हैं, हाउ डज वर्ड्सवर्थ अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लंदन इन द पोम सोनेट कंपोज अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, या व्हाट सीन इज द पोएट डिस्क्राइबिंग, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सीन ऑफ द पोएट, ठीक है। तो ये दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, वर्डिंग चेंज है, लेकिन आंसर उसका यही होगा। तो ये पोइट्री भी सोनेट कंपोज अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज हमने कवर कर ली। आगे चलते हैं, तो तीसरा हमारा सब सेक्शन बनता है, दैट्स कॉल्ड 2-1 एक्ट प्ले का, जिसमें हमारे दो प्लेज हैं, काउंट्स अरेंज इन प्रोग्रेस, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने मेंशन की है, उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने मेंशन किया है, मेंशन टू डोमिनेटिंग क्वालिटीज ऑफ एल्बर्ट, एल्बर्ट की कोई टू क्वालिटीज आपको बतानी है, ठीक है, यहाँ पे आंसर में लिख दी है मैंने। इसके अलावा अगर ये सवाल आ जाए, व्हाई डिड एल्बर्ट चैलेंज द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो टू फाइट अ ड्यूल, व्हाट डिसग्रेस हैज बीन फॉलन ऑन या अपॉन द काउंट ऑफ मोंटसब, व्हाट डज एल्बर्ट फील दैट हिज फैमिली हैज बीन डिसग्रेस एंड रियून, व्हाई डिड एल्बर्ट डिसाइड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज फादर्स एनिमी, ठीक है। हाउ डिड एल्बर्ट वॉन्ट टू अवेंज द ऑनर ऑफ हिज फैमिली, देखिए कितने सारे मैंने चार पांच सवाल बना दिए, इन चारों पांचों सवालों का जो जवाब है वो एक ही बनेगा, जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो इस बात हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तीसरा पार्ट है 2-1 एक्ट प्ले आपके बोर्ड एग्जाम का। आगे चलते हैं, तो नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाई डिड काउंट काउंटेस ऑफ मोंटसे विजिट द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हाउस, व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ हर विजिट, क्यों गई थी वो उसे घर पे, उसकी क्या वजह थी। बड़े अच्छे से आप बात जानते हैं, बड़े मजे से आप लोगों ने ये प्ले पढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा ये सवाल ये भी बन सकता है, व्हाट डिड द काउंटेस मोंटसे डू टू सेव द लाइफ ऑफ हर सन, के उसने क्या किया अपने बेटी की जिंदगी को बचाने के लिए। डिटेल्ड आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेट्रेड बिटवीन मोंटे क्रिस्टो एंड काउंट ऑफ मोंटसब, कि उन दोनों के दरमियान नफरत का बाइस क्या था, किस वजह से दोनों के दरमियान नफरत हुई। ऑब्वियसली लड़की कभी बीच में लाइफ में आ जाए तो ऐसा होता है, तो वो फिर आप यहाँ बताएंगे पूरी कहानी, यहाँ मेंशन करेंगे आप जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर। और करके मैंने और मजीद क्वेश्चन डाले हैं, व्हाट वाज द पास्ट स्टोरी ऑफ काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, राइट फ्यू लाइंस अबाउट काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, तो किसी भी सूरत में अगर इस तरह का सवाल आ जाए सो आप जो है वो ये आंसर देख सकते हैं। ओके जी, लेट्स मूव, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो डिसाइड टू स्पेयर एल्बर्ट एंड डाई ऑन हिज प्लेस, मतलब उसने क्यों डिसाइड किया था कि वो खुद मर जाएगा और उसकी जिंदगी बख्श देगा। ऑब्वियसली अगर इस सवाल को भी आप देखें, और ऊपर जो विजिट वाला क्वेश्चन था, दोनों के आंसर सेम बनेंगे, ठीक है, सिर्फ सवाल को समझ रहे हैं आपने।
हु ब्रॉट अबाउट द डिसग्रेस ऑफ द काउंट ऑफ मोर्सफ एंड वाई, किसने उसको बदनाम किया या बर्बाद किया था और क्यों किया था, उसकी कहानी फिर आपने यहाँ मेंशन करनी है। ये आंसर में ऑलरेडी मौजूद है। नंबर सिक्स है, व्हाट डज मोर्सफ से व्हेन द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो डिस्क्लोजेस आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी की जब उसने डिस्क्लोज की है, उसकी शनाख्त को डिस्क्लोज किया गया, तो उसने उसे क्या कहा था, क्या आपने आंसर डिफाइन करना है। या और करके मैंने क्वेश्चन दिया है, व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट द काउंट ऑफ मोर्सफ, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट इसी वर्डिंग पेपर में आ चुका है, डिस्क्राइब का। अच्छा अब हम आगे चलेंगे, तो आगे हमारे पास जो है वो अब हमारा एक और प्ले है जिसका नाम है प्रोग्रेस। गलती से मैंने ऊपर उसका सवाल डाल दिया। अब यहाँ से प्रोग्रेस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, आप चाहें तो कंसीडर कर लीजिएगा। डिस्कस द कॉरीज बॉम्ब, कॉरी के बॉम्ब के बारे में आपने बताना है। वैसे यहाँ मैंने हेडिंग डाल करके मजीद मेंशन किया है, लेट मी शो यू, ये देखें। अब यहाँ से हम प्रोग्रेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ कॉरीज न्यू इन्वेंशन, हाउ डज कॉरी इंटेंड टू रिवोल्यूशनाइज वॉरफेयर, ठीक है, उसकी इन्वेंशन क्या थी, क्या फीचर्स थे, वो किस तरह से दुनिया में एक इंकलाब बरपा करना चाहता था, वो तमाम चीजें यहाँ पे बतानी है आपने। नंबर 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड मिशन ऑफ वॉइस इन द आईज ऑफ मिस मेल्डन, मिस मेल्डन के लिए ये जो जंग है वो क्या मायने रखती थी, तो उस तरह उन्होंने सवाल पूछा है, तो वो आपने डिफाइन यहाँ पे करना है। उसके बाद व्हाट वाज द ट्रुथ दैट मिसेस मेल्डन डिस्कवर्ड एडीज डेथ, एडी की डेथ या डेथ एनिवर्सरी को उसको क्या पता लगा था। देखिए नीचे भी एक सवाल आ गया, व्हाई डिड मिसेस मेल्डन, व्हाट डिड मिसेस मेल्डन डिस्कवर ऑन द थर्ड डेथ एनिवर्सरी ऑफ हर सन्स एडी, ठीक है, तो ये आप आंसर बताएंगे। उसकी मौत जो परसी थी उस दिन उसको क्या पता लगा, उसको क्या किसने क्या बताया था। नंबर 9 पे चलते हैं, व्हाई डज प्रोफेसर कॉरी कॉल हिज फॉर्मूला अ ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन, कि वो ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन क्यों कहता था अपने इस फॉर्मूले को, अपने बॉम्ब को, तो वो आपने फिर डिफाइन करना है। इसका आंसर भी डिटेल मौजूद है यहाँ पर। और करके मैंने क्वेश्चन डाला है, वाज मिसेस मेलन जस्टिफाइड इन किलिंग ब्रदर प्रोफेसर एलिगोरी, क्या उसने सही किया था अपने भाई को मार करके, वो आप चाहें तो अपने ओन वर्जन भी दे सकते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्ले पढ़ा है। उसके बाद है, व्हाट ओपिनियन डज प्रोफेसर हेनरी कोरी होल्ड अबाउट वॉर, या व्हाट वर द व्यूज प्रोफेसर कोरी अबाउट वीमेन, वॉर के बारे में और वीमेन औरतों के बारे में, और जो वॉर के बारे में उसका क्या ओपिनियन है, वो ये आंसर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। व्हाई डज मिसेस एल्डन कॉल हरसेल्फ अ मोस्ट लोनली वुमन, क्यों अलोन, उन्होंने क्यों कहा था कि मैं दुनिया की सबसे सताई हुई, सबसे गमगीन, अफसरदा, अकेली तरीन खातून हूँ, तो ऑब्वियस ऐसी बात, उसका बेटा मर गया, उसके बाद उसका भाई भी इस तरह से निकला, तो वो फिर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। Who was Eddie and how did he die? Eddie कौन था, वो कैसे मरा, या हो सकता है ये सवाल इस तरह भी आ जाए कि राइट फ्यू लाइन्स अबाउट एडी, तब भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। हाउ डिड प्रोफेसर एनिकोरी वॉन्ट टू मेक अ वॉर मोर एक्सपीडिशियस, अच्छा ऊपर जो मैंने एक वॉरफेयर वाला क्वेश्चन बताया था, वो और ये दोनों ऑलमोस्ट एक सेम आंसर बन सकता है, लेकिन अगर आप ये आंसर भी याद कर लें तो दैट्स फाइन, क्या एक एक्स्ट्रा सवाल आप याद करके जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई नॉट से 30 पीस ऑफ सिल्वर, हु सेड दीज वर्ड एंड व्हाई, कि किसने कहा था और क्यों कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का, बोर्ड में कई दफा आ चुका है, जरूर याद करिएगा इसको, इग्नोर मत कीजिएगा सवाल को भी, उसमें डायलॉग्स भी लिख दिए हैं मैंने तमाम चीजें। तो यहाँ तक हमने अपने चैप्टर्स, अपनी पोएट्री और अपने प्ले को डिस्कस किया है, क्योंकि ये टारगेट पेपर पूरा सॉल्व है, इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो रही हो, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो अब हमारे पास ग्रामर सेक्शन के अंदर कुछ चीजें आती हैं, होमोफोन्स हैं, यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हैं कि कौन कौन से होमोफोन्स इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सो अब मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, बिकॉज पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपकी स्क्रीन पर है, यू मे रीड योर सेल्फ, तो इनको आप देख लें, और टाइम मिला तो इसको सॉल्व करके मैं इसकी एक वीडियो भी डाल दूंगा, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट होमोफोन्स हैं जिनको हम पेरो वर्ड्स कहते हैं, जरूर उनको याद कीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, हो सके तो 10 ईयर्स को भी कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये वर्ड्स मीनिंग है, प्रोज पोम एंड प्लेस है, और इसको मैंने बहुत कोशिश करके कम किया है, ये सारे वर्ड्स मीनिंग जो है, या सारी जो वर्ड्स मीनिंग है, ये मैजिक कॉलम में आपके एग्जाम के अंदर आती है, तो आपको इसकी जो मीनिंग है वो नोट से निकालनी होगी, मेरे नोट्स के बैक साइड पर आप देखेंगे तो मीनिंग्स मिल जाएंगी, बुक के बैक साइड पे मिल जाएंगी, ये जिसके भी नोट्स, ये जहाँ के भी नोट्स आप यूज कर रहे हैं उसमें लाजमी वर्ड्स मीनिंग होगी, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है।
तो वर्ड स्प्रिंग भी हो गई, पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो गया। अब हम जाएंगे सेक्शन सी की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सी, जिसमें लेटर्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं एंड आपके पैराग्राफ्स होते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं आए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लोड शेडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेटर कंसिडर किया है, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, ब्रोकन कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, ये तीन लेटर्स मैंने यहाँ से ये चूज किए हैं। स्ट्रीट क्राइम आजकल बहुत ही ज्यादा कह लें कि इंक्रीज हुआ हुआ है, ट्रैफिक जैम या राइज इन कमोडिटीज। राइज इन कमोडिटीज का मतलब हो गया कि महंगाई या अशिया की चीजों में जो कह लें कि रेट्स का बढ़ना है उसके हवाले से। ये करंट इश्यूज मैंने उठा के इसमें रखे हैं। आई होप कि इसमें से कोई ना कोई एक लेटर आ जाए इंशाल्लाह। स्टोरीज ने गिव इज द कर्स, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज इज साउ साउ शेड्यूरी। तो ये देख लीजिएगा, यू मे राइट इन योर ओन वर्ड्स, या फिर आप नोट्स में से याद करें, या फिर जो है वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिखें। और कोशिश कीजिएगा लेटर हो या स्टोरी हो, कम से कम एक अच्छा और हेल्थी दिख कर आए, 1.5 पेज कम से कम आप उसका यूज करें वो टॉपिक का। ठीक है, इस तरीके से पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। यूज ऑफ इंटरनेट या स्मार्ट सेल फोन हो गया, रोल ऑफ सोशल मीडिया एज यू नो वेरी वेल, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन है, नॉलेज इज पावर है, एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच या कोई PSL का भी मैच अगर आपसे पूछ ले तब भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हो गए हैं। ग्रामर के अंदर जो आपने बच्चों प्रैक्टिस करनी है वो टेंसेस को अच्छे से करके जाना है, आर्टिकल्स की जो कहने के रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रेपोजिशंस को, और हो सके तो जो प्रैक्टिस है ग्रामर सेक्शन की वो बुक में से, नोट्स में अवेलेबल है उसमें से कीजिएगा, इन तो 10 ईयर्स में से कीजिएगा। बाकी ट्रांसलेशन आती है आपको पता है, और इसके लिए आपको जो है वो बहुत सारी उर्दू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी MCQs के लिए मैंने आपसे कहा है कि अभी मैं तीन डिफरेंट वीडियोस, पोइट्री, प्रोज एंड प्ले की, अलग अलग तीन वीडियोस शॉर्ट टाइम की, वो मैं बना के इंशाल्लाह अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो वहां से आप इम्पोर्टेंट MCQs कंसिडर करेंगे, हो सके टाइम बच जाए तो 10 ईयर से भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप सबके लिए साल का इम्पोर्टेंट टारगेट पेपर है, एंड उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो इसमें से काफी हद तक चीजें एग्जाम में आ जाएंगी इंशाल्लाह। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, लोगों को बताइएगा। और क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट मेरी स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली यू आर माई स्ट्रेंथ, आप ही हैं जिसकी जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है, एंड बहुत माजरत कि मैं लेट हो गया हूँ, बहुत सारी वीडियोस में अपलोड नहीं कर सका मसरूफ की वजह से, पर इंशाल्लाह यू विल गेट मोर एंड मोर वीडियोस। सो यहाँ पर गया हमारा टारगेट पेपर खत्म होता है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम, अल्लाह आप सबको कामयाब करें और अच्छे से लिखिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जो चीज आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो में बताऊं, तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि जो मजीद लोग हैं उनको भी पता लगे, और वो भी जो है वो आपको देख करके अच्छे कमेंट्स या जो भी उनको कमेंट दे रहे दे सकें। सो विल सी यू इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।